and some are playful like the devil, some are dumb and some are folded and some are even eaten like a beetle. हमें क्या बोला है, कुछ कुछ लीव्स फोल्डेड होती है, जैसे जब वो न्यू ग्रो होती है, छोटी छोटी लीव्स जब ग्रो होती है तो बहुत सारी ऐसी लीव्स होती है जो गोल गोले से राउंड में ग्रो होती है, फिर जैसे जैसे वो लीव्स बड़ी होती है वैसे वैसे वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ कुछ कैसे होती है, एकदम प्लेन होती है, जैसे वो ग्रो होती है एकदम छोटी सी लीव जब आती है तभी से वो एकदम सीधी आती है। सम आर ईटन लाइक अ बीटल, और कुछ कुछ को तो हम खा भी सकते हैं, जैसे कि बीटल नटर। किस किस के लीव्स खा सकते हैं हम, अर्ली लीव है उसे खाया जाता है, मेथी है उसे भी लोग खाते हैं, फिर है पालक, फिर कोरिएंडर लीव्स, ये सब हम खाते हैं, कुछ लीव्स को हम खा भी सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है। एंड इन द अर्ली डॉन डार्केस्ट व्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्लियर लाइट ड्यू, और जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो लीव्स होती है उनके ऊपर ना छोटे छोटे मोती की तरह पानी की बूंदे रहती है, क्यों, क्योंकि वो पूरी रात में जो उनके ऊपर ड्यू के जैसा, जो ड्यू की वजह से आ जाता है पानी में जमा होके एक टीयर के जैसा, और जैसे कि वो रो रही हो वैसा बनता है। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हैवी एंड सम प्ले। कुछ कुछ लीव्स कैसे होती है, बटरफ्लाइज की तरह होती है, दोनों साइड, जैसे बटरफ्लाइज के कैसे होते हैं, बटरफ्लाइज ऐसी होती है ना, तो कुछ कुछ लीव्स ऐसी होती है, और कुछ कुछ बीज तो सॉरी कुछ कुछ लीव्स तो बीज की तरह छोटी छोटी होती है। सम आर हैवी एंड सम प्लेन, कुछ कुछ लीव्स हैवी होती है, अगर आप लीव्स को टच करोगे तो बहुत सारी लीव्स ऐसी होती है जिनके अगर आप टच करोगे फील करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें छोटे छोटे हेयर्स है, और कुछ कुछ प्लेन होती है। सम राइट अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल्स क्वींस, और कुछ कुछ सूखे कांटे की तरह हो जाती है, एंड सम इवन रिजेंबल क्वींस हुज होव्स वर सटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। क्या जब ब्रीज मतलब जब ठंडी हवा चलती है तो वो सब एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। All day long they smile and play and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and different shapes and hues. जो leaves है वो जब रात होती है पूरे दिन all day long वो क्या करते हैं, play करते हैं और बातें करते हैं, smile करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे क्या होता है कि वो सब सो जाती है leaves। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती है तो जो दिन में तो ऐसे खिली खिली होती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो सारी लीव्स ऐसे पास पास आके जैसे सो गई हो, मुरझा गई हो वैसी हो जाती है, वो सब रात को सो जाती है। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि वैसे तो लीव्स को प्लक ही नहीं करना चाहिए, तोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन द नाइट टाइम इवनिंग के बाद लीव्स को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो सो जाते हैं। अगर आप सो गए हो और आपको कोई परेशान करे तो वैसे लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड व्यूज, जो लीव्स है वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं। ओके, इसका राइटर देखो, यहाँ पे राइटर का नाम दिया हुआ है इस लीव्स नाम की पोयम का, विजेंद्र पाल सिसोदिया। किसने लिखी है ये पोयम, विजेंद्र पाल सिसोदिया, और इसे ट्रांसलेट किया हुआ, लिखी किस, उसने हिंदी में